नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के तहत महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी आगामी आने वाली भर्तियां, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य डिपार्टमेंट से संबंधित जो भर्तियां उनको लेकर के। साथियों, लोकसभा चुनाव जो हो चुके हैं और उसके बाद में उनके परिणाम आ चुके हैं और आज जो आदर्श आचार संहिता है वो हट जाएगी और अब जो विज्ञप्तियों की बारी है उसको लेकर के आपको इस वीडियो में अपडेट दी जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हर प्रकार के अपडेट के लिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते आज की महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोज मीणा, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने 4 जून को लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं का आक्रोश जो स्पष्ट रूप से लिखा है, यदि सरकार ने युवा बेरोजगारों की मांगों को सुना होता तो परिणाम कुछ और होते, ऐसी अपडेट उन्होंने दी। और उसके साथ में उन्होंने एक मांग पत्र रखा है सरकार के सामने, उसकी अपडेट आपको इसमें दी जाएगी। और जो शिक्षा विभाग में पद हैं, रिक्त पद, उनके बारे में भी आपको अपडेट दी जाएगी। यहां पर देख सकते हैं पहला पॉइंट है एसआई और ईओआरओ भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, पेपर लीक के कारण दोनों भर्तियों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ये मांग उन्होंने रखी है। इसके अलावा 2005 के बाद आयोजित समस्त भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाए, दूसरी मांग। तीसरी मांग यहां पर महत्वपूर्ण 70,000 भर्तियों की घोषणा जो बजट 24-25 के तहत की गई थी, अभी उनका विभागवार जो वर्गीकरण नहीं किया गया है उसका वर्गीकरण किया जाए। और शिक्षा विभाग में अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्तियों की जो है विज्ञप्ति जारी की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर पॉइंट पे। और पांचवा पॉइंट है एएन भर्ती परीक्षा जो कि 737 पदों पर आयोजित की जाए, साथ में जेएन कंबाइंड भर्ती में कम से कम 1,000 पदों पर आयोजित हो। छठा पॉइंट, सामान्य कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है आयोजित की जाए। और रोडवेज विभाग में रिक्त चल रहे तकरीबन 11,000 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति निकाली जाए। इसके अलावा सूचना सहायक भर्ती में 684 पदों की भर्ती हेतु संशोधित यहां पर विज्ञप्ति जारी की जाए। और इसके अलावा सूचना सहायक भर्ती का जो परिणाम है वो जारी किया जाए, जो पेंडिंग भर्ती है उनको लेकर के। और सूचना सहायक भर्ती में आपत्ति के मामले में 627 जो छात्र उनके साथ न्याय किया जाए। रीट भर्ती का जो पैटर्न है वो पुराना ही यथावत है, वही रखा जाए। और पशुधन सहायक भर्ती की नई विज्ञप्ति जारी की जाए। पटवार भर्ती वह भी जल्द आयोजित हो और यहाँ पर लाइब्रेरी और बिजली विभाग में जल्द से जल्द भर्तियां कराई जाए। और रीट, वन रक्षक, फायरमैन के शेष रहे मूल पदक परिणाम जारी किए जाए, आप देख सकते हैं यहां पर। और 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों की बहाली अति शीघ्र हो और बिजली विभाग में एएन और जेएन तकनीक सहायक की विज्ञप्ति जारी हो। तो ये उन्होंने मांग पत्र रखा है सरकार के सामने। और अब उम्मीद है साथियों कि जो आचार संहिता हट चुकी है, अब इनमें से काफी सारी विज्ञप्तियां शिक्षा विभाग में और अन्य डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। अब आपको इससे संबंधित जो पद हैं रिक्त उसकी भी अपडेट यहां पर दे देते हैं। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में विद्यालय और कार्यालयों में विभागीय स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पद शाला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट 1 मई 2024 के अनुसार आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें संयुक्त निदेशक स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पद, तो रिक्त पद वाले लास्ट वाले कॉलम में आप देख सकते हैं 8 पद यहाँ पर। और उप प्रधानाचार्य और समकक्ष की अगर आप बात करें तो काफी सारे रिक्त पद है, 11,943। व्याख्याता और समकक्ष अगर बात करें तो 12,618 यहाँ पर रिक्त पद है। प्राध्यापक सारी शिक्षा की आप बात करें आप देख सकते हैं, वरिष्ठ अध्यापक 10वें नंबर के पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं 25,155 यहाँ पर रिक्त पद वर्तमान में 1 मई शाला दर्पण पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार। शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड के भी काफी सारे रिक्त पद आप देख सकते हैं। और अध्यापक यहाँ पर थर्ड ग्रेड संबंधित काफी सारे रिक्त पद है। इस प्रकार से ये खाली पदों का ब्यौरा भी आप देख सकते हैं, यानी काफी सारे रिक्त पद हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी 22,000 से अधिक यहाँ पर रिक्त पद है।
और वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक, बेसिक कंप्यूटर निदेशक, इन सभी के काफी सारे रिक्त पद। अगर बात करें तो 1,23,000 से अधिक यहाँ पर रिक्त पद है शिक्षा विभाग में। अब आगे ले चले आपको और महत्वपूर्ण अपडेट है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित अगर बात करें तो 31 भर्ती परीक्षाओं का जो है संशोधित कैलेंडर जो कि जारी किया था अभी कल साथियों, तो उसमें काफी सारी जो भर्तियां हैं उनका आयोजन होना है और 22 जून से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो है ये भर्तियां प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। काफी सारी भर्तियां हैं इनमें 31। और इसके अलावा अब आरपीएससी को नई भर्तियों का इंतजार, अजमेर नई भर्तियों का इंतजार है। इस साल जनवरी से अप्रैल तक 12 विभागों की 1,394 पदों की भर्तियां मिली है। ये तो यहाँ पर अप्रैल तक का ही दिया हुआ है। इसमें इनमें विधि रचनाकार, प्राध्यापक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, प्रोग्रामर, लाइब्रेरियन, पीटीआई, सहायक अभियोजन अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी और अन्य विभागीय भर्तियां शामिल है। जबकि सरकार ने 50,000 से ज्यादा भर्तियों का ऐलान यहाँ पर किया था और लोकसभा जो आचार संहिता खत्म हो चुकी है, आज हो जाएगी शाम तक, उसके बाद में कार्मिक विभाग और सरकार नई अभ्यर्थियां भेजने में जुटेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आज की अपडेट। इसके अलावा साथी और आपको अपडेट देते हैं, इसमें स्कूलों को अब जल्द मिलेंगे विभिन्न विषयों के थर्ड ग्रेड शिक्षक। शिक्षक सीधी भर्ती 2022 के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी हो चुका है। साथ ही रीट भर्ती 2022 से संबंधित यह अपडेट है जो कि नया सेशन शुरू होने से पहले 14 जून को जिला स्थापना समिति से अनुमोदन हो। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि अब जल्द ही शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट में काफी सारी भर्ती देखने को मिलेगी और जैसे ही नई विज्ञप्तियां जारी होगी आपको हमारे इस चैनल पर अपडेट दी जाएगी। तो चैनल के साथ अवश्य जुड़े और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।